बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं बक्कर डायग्नोस्टिक लैब, और आज हमारे पास फार्मर आए हैं, कैमल के स्पेशल हमारे पास आए हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित शाह। आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज भाई ठीक है। और एरिया कहाँ पे आपका, किस जगह से है? तहसील मंझेरा सही। जिला बखर। आपको कैमल का शौक कहाँ से पैदा हुआ? पहले बदौल कर रहे हैं बात शौक सही। से। आप मतलब बचपन से करते आ रहे हैं? ये बचपन सही। आप कौन सी नस्ल के हो करते हैं? रोहित रोगी। मड़े ठीक है। और वो चोलिस्तान चोलिस्तान में होते हैं? ठीक है। और इनकी जो कलर्स है और इनकी आदत है, उनके बारे में आपको कुछ पता हो तो लाजमी सफेद बताइए। कलर में बहुत अच्छा। ये वीडियो ना कोई ऐसा नहीं कि चेंज हो सकती, चेंज किसी भी ढंग का दिमाग में डॉट दे दिया वो सारे की बोलना चाहता है ही हो के कोई सर जी सर जी बोल बोल मैं कर नहीं हूं। अच्छा आप बोलो जी, आप कुछ बात को समझिए। अच्छा उधर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। इजी हो ठीक है। आपकी जो ये रोही नस्ल है, ये किधर किधर पाई जाती है? ठीक वही मैं चोरिस्ता है। और इसकी आदत क्या है? बहुत अच्छे है ठीक है। जी। और आप इन दो ऊंट हैं, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, क्या मकसद है इनको रखने का? नाचने के लिए और शौक सही। और को आजकल आपको कोई इशू आ रहा हो कैमल्स का, तो मेरे साथ बताइएगा, मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं तो वो आपको गाइड करेंगे। क्या जरूर बताएंगे। क्या आपको मसाइल है, कोई बीमारी जो ज्यादा आ रही है? बुखार के बिना टेस्ट कराना है, सब सभी टेस्ट करने ये डॉक्टर साहब आप दवाई के लिए बताइएगा बहुत कि जरूरी इनके जो मसाइल हैं उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, है। अगर कोई डिजीज आउटब्रेक आ जाए तो वो किस तरह से पास करें? इसमें ना सबसे पहले तो जो कि ये यहाँ आए हैं दूसरा हवाले से हमें बात करनी। हमारी लैब में ना बेसिकली तो मुख्तलिफ टेस्ट हम यहाँ परफॉर्म करते हैं, जो यानी मशहूर या मारूफ टेस्ट हैं उनमें जरा ये ब्लड पैरासाइट के हवाले से टेस्ट हैं, जिसमें आपका थलेरिया हो गया, बेबीजिया हो गया, ट्रिपनोसोमा हो गया, एनोप्लाज्मोसिस के हवाले से हो गया, या फिर जो है ना फीकल पैरासाइट के हवाले से जो है ना, ये अमूमी तौर पे हम जो है परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम मस्टाइटस कल्चर हो गया, ड्रग सेंसिटिविटी वगैरह वो भी हम परफॉर्म करते हैं। तो कैमल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें जो है ना यहाँ जो आजकल डायग्नोज हो रहा है, तो वो एक तो ट्रिपनोसोमा का है कि ट्रिपनोसोमियोसिस है जिसे सरा कहते हैं, ठीक है एक। और दूसरे नंबर पे जो है ना बेबीजियोसिस का भी चंद एक जो है ना केसेस जो है ना हमें मिले हैं। अभी ये जो भाई साहब आए हैं ना, इनके कैमल में जो है ना ये बेबीजिया पॉजिटिव है, और जो है ना इनको जैसे कि इन्होंने खुद भी उसके कुछ साइंस वगैरह बताए हैं कि पहले जो है ना उनको उसको टम्परेचर था, और साथ जो है ना वो यूरिन जो है ना रेड कलर में यूरिन जो है वो पास करना शुरू हो गया। तो हमने जब उसको वेरीफाई किया, हम इसको सस्पेक्ट भी ये कर रहे थे कि शायद ये बेबीजियोसिस है, तो जब हमने इसको जो है ना वेरीफाई किया लैब में, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि वाकई जो है ना हमारी जो है ना वो डायग्नोसिस जो थी वो बिल्कुल ये थी कि जो है ना ये बेबीजियोसिस ही है। तो बाकी यहाँ हमारे इलाके में दो किस्म के जो है ना लोग ऊँट पालते हैं। नंबर एक जो है ना ज़्यादातर लोग इस शौक से पालते हैं कि वो ईद कुर्बान पे जाके गुजरांवाला साइड अपर पंजाब जाके सेल करते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है ना ये चंद एक लोग हैं यहाँ यानी सहराए चोलिस्तान में जो शौकिया ऊँट रखते हैं डांस के लिए। हमारे यहाँ वो लड़ाई भिड़ाई वाले ऊँट तो हैं वो ये कोटद्दू साइड इस साइड पे ज़्यादा है, अलबत्ता चूँकि हमारे इलाके में ये मड़ेचा ब्रीड जो है ना रखते हैं, जैसे कि भाई बता रहे थे इनके पास मड़ेचा ब्रीड है, तो उस हवाले से मड़ेचा का ये बुनियादी तौर पे मड़ेचा के दो ही मकासद हैं यहाँ। एक तो ये है ना ये पर्पज़ के लिए जाइए कुर्बान के लिए जो है ना फरवा करने के लिए रखते हैं, और दूसरा ये है कि अगर उसमें कुछ खूबसूरत जो है ना ऊँट हों तो वो उसको जो है ना ये डांस वगैरह के लिए तैयार करते हैं, और उसके लिए फिर ये ना सिर्फ ये शौकीन हजरात हैं बल्कि इस उसके बकायदा टीचर हैं जो इनको टीच करते हैं डांस वगैरह।
और आप विजियोसिस के लिए कौन कौन से लैब की फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं? विजियोसिस के लिए तो हम जो है ना स्लाइड करते हैं, डिफरेंट यानी हम ब्लड स्लाइड बनाते हैं थिन स्मीयर्स, और जो है ना उसको हम जो है ना फिक्स करते हैं और फिर जो है जिम सस्टेन में या फील्ड स्टेन में जो है हम उसको ड्राई करते हैं, और फिर आफ्टर दैट हम इसको 100x पे यानी ऑयल इमर्जन के साथ इसको ड्राई करते हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इन जो बीमारियां हैं ये जो ब्लड पैरासाइट वाली, तो इनको इन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, फार्मर के लिए कोई हदायत? अच्छा, इसमें ना ब्लड पैरासाइट की जो बीमारियाँ ना वो उससे एक तो जो है ना मेन जैसे थलीरिया बेबीजिया वगैरह है, इसमें तो जो है ना ज़्यादा टिक्स का है रोग, तो एक तो ये है कि टिक के कंट्रोल से ना हम इन पे काबू पा सकते हैं। तीसरी दूसरा ये भी है कि हम गाय बगाए जो है ना जैसे वक्त मिले ना तो हमें एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस करना चाहिए कि हम जो है ना एहतियातन रैंडमली कुछ जानवरों का सैंपल ब्लड सैंपल लेके तो वो जो है ना भिजवा दें, और बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो फार्मर को खुद हमें अवेयर करना चाहिए कि वो जानवर को जो है ना यानी फिजिकली देखे कि कहीं इसको टिक्स तो नहीं है, कहीं जो है ना कोई इस किस्म की जो है ना अगर टिक्स मौजूद हैं तो फिर जो है ना जो एंटी टिक्स मेडिसन है स्प्रे भी हैं इसमें, और जो आइवरमेक्टिन वगैरह ये इंजेक्टेबल में भी आ रहे हैं, तो वो इंजेक्ट ये खुद करवा लें, खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें, नहीं तो जो है ना जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं उनको जो है ना ये उनसे ये लगवा लें। और डॉक्टर साहब ब्रुसिलोसिस जो बीमारी है जिसके अंदर जानवर बच्चा 3 महीने जो आखिरी 3 महीने उसके अंदर बच्चा फैल देता है, ठीक है, और इसके अलावा ये बीमारी जो है इंसानों के अंदर भी फैल रही है, तो ऊँटों के अंदर इसकी जो है प्रेवलेंस हो आपको आइडिया हो कितनी है इधर इस एरिया में? अच्छा, जो ब्रुसिलोसिस के हवाले से है ना अभी तक तो हमने कोई इस तरह से केस हमने देखा नहीं है यहाँ जो है ना कि कोई ब्रुसिला का पॉजिटिव आया हो कैमरा में, तो बाकी यहाँ ब्रुसिलोसिस का कुछ ना कुछ जो है ना केसेस आते हैं कैटल में खास तौर पर, तो वो जो है ना डिफरेंट हमारे पास कुछ एरियाज हैं जैसे कलूर साइड पे कुछ केसेस आए थे, तो इस तरह वो चलते रहते हैं, और वो एक और इसके अलावा भी हमारा जो है ना यहाँ जो लैब का है वो कि हम एक जो है ना सर्वेलेंस मलिक अब्दुल अजीज औलख साहब और सारे मेहमान हैं जी, ते आज असा ये उठा का शौक रखते हैं जी, तो आज असा इन को उठा के बारे कुछ सवाल पूछूँ तो इन को इन्होंने शौक का हाल हवाल पूछूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। सर तुसा केड़े इलाके तो जी? तहसील मनकेरा, जिला बखर। जिला बखर पट्टी जिला। तुसा केड़ी नस्ल के कुछ पाले हैं जी? असा नसल के बारे में रोही की नसल है मड़ेचा। मड़ेचा। अच्छा, तुसा कुर्बानी वास्ते पाले हुए हैं या डांस वास्ते? डांस वास्ते ही हैं तो कुर्बानी वास्ते हैं, दोनों शौक पूरे करेंगे। अच्छा, तुसा ये कुछ उन्होंने जेड़ा उठ मिसाल के तौर पर जेड़ा है ता ये डांस वास्ते कितनी उम्र ते डांस ते लगता है ते केड़ी नस्ल वाले ने ते इंजल ते माते इतने कोई कीमत दे वाले ना रही है। अच्छा, बदल चला क्या करता है अगर एक नमे उठ दे बच्चे ने ट्रेनिंग दी हुई हो गए डांस दी तो वो कितनी उम्र दा? 2 साल। 2 साल ते वो कितने अरसे दे बीच डांस सीख रहे हैं? तकरीबन 1 साल बाद। ते चंगे जड़ा डांसर उठे उसकी की कीमत है मार्केट दे विच? 19 to 20 lakh। माशाल्लाह। ते इस टाइम थारे कुल कितने जानवर हैं जेडे डांस वाले हैं? सारे कुल तकरीबन 14-15 डांस। ते थारे इलाके दे विच उठा दे डांस दे कितने मेले हैं या कितने लगते हैं मेले? तकरीबन बाबा अनेशा, नवाकोट, चबारा, तहसील मनकेरा, मनकेरा पट्टी बुलंदा,
ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਵਾਰ ਹੈ ਗੁਲ ਹਸਨ ਔਲਖ, ਜ਼ੈਦ ਮੰਗਸੀ, ਤਸਵਾਰ ਮੰਗਸੀ, ਸ਼ਮਸੀਨਾ, ਸ਼ਾਸੀਨ ਗਿੱਲ, ਹਸਨ ਹਸਨ ਛੀਨਾ, ਹਕ ਨਿਵਾਸ ਬਲੋਚ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਛੀਨਾ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਛੀਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਸਵਾਰ ਖਾਨ ਮੰਗਸੀ।